जो कि है लोग दोस्तों, आज है 10 जनवरी जो कि है चैनपुर ओपी थाना परिसर में, और 11 को है असाना थाना परिसर में, उसके बाद 12 बढ़हरिया, मतलब इसे डेट करके सब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी भी भाई का पैसा खर्च ना हो और बच जाए, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं आया था मुजफ्फरपुर SIS की ट्रेनिंग में, जो कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसका बारे में कुछ पता चला हमको, तो हमको नहीं जमा, इसके वजह से अब हम लोग जा रहे हैं वापस, घर जाएंगे। और आइए हम आप लोग को और आगे दिखाते और बताते हैं कि क्या क्या है SIS की ट्रेनिंग सेंटर पे। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं पीछे ये सब आए थे साथ ही में हम लोग, अब जा रहे हैं हम लोग घर। का भाई हेलो कर दो, रोहित हाय फ्रेंड्स, बताओ थोड़ा इसके बारे में, बता दो यार इसके बारे में कैसा है। बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग उम्र नहीं हुआ है करने लायक, इसीलिए नहीं कर रहे हैं लोग, बस आगे ही पैसा ले रहा है लो इसमें। और तू अब बताओ जी। हाँ आगे पैसा ले रहा है, वो और क्या करना है। हाई कर दो, हाई कर दो। देखिए हम लोग किधर जा रहे हो, नरेश भाई किधर जा रहे हो, देखो इधर हाई कर दो यार। देख लीजिए हम लोग आए थे यहाँ पे SIS की ट्रेनिंग सेंटर पे, जो कि हम लोग को नहीं जमा, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे जाएंगे। देखिए आप लोग, और आपको आप लोगों को मैं बताता रहूँगा विस्तार रूप से जिसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप लोगों को बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पे, यहाँ से पकड़ेंगे जंक्शन के लिए गाड़ी, मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जाएंगे यहाँ से, उसके बाद देखिए। तो हेलो दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, देखिए हम लोग को मिल गया टेम्पू स्टेशन पे जाने के लिए, जंक्शन पे जाने के लिए से जा रहे हैं हम लोग स्टेशन। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, अब इसके अंदर जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद सिवान के लिए निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। जैसे कि मैंने बताया था SIS के ट्रेनिंग सेंटर पर मुजफ्फरपुर गया था, जहाँ पर मेरे को अच्छा कुछ नहीं लगा था, इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए, और आप लोगों को मैं बताता हूँ विस्तार रूप से क्या हुआ था ये। तो मुजफ्फरपुर जाने के बाद पता चला भैया मेरे को ये, कि जब मैं टेम्पू वाला ये ऑटो वाला से बोला कि भाई साहब मेरे को SIS ट्रेनिंग सेंटर के पास छोड़ दो, तो पता है ऑटो वालों ने क्या बोला, आपको यही नौकरी मिली, इससे अच्छा होगा कि मेरा ये ऑटो लीजिए और आप ही चलाइए, इससे बेहतर आपको और कोई नौकरी नहीं मिली, जो आप चले आए मुँह उठा कर SIS ट्रेनिंग सेंटर के पास। तब तो दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया यार, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई मजाक कर रहा होगा यार, ऐसे ही बोल दिया होगा, बट ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने सीरियस बोला, सीरियस कहा, हकीकत कहा, जो सच्चाई था वो हमसे बताया। फिर भी सोचे इतना दूर जब आगे आ ही गए हैं तो चलते हैं, चल के वहाँ पे SIS ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाकर वहाँ से कुछ जान लेते हैं। तो उसके बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद जो मैनेजर साहब बैठे थे वो बोले रुपया निकालो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो। तो हम लोग का तो, और तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोगों ने तो पैसा नहीं लाया, तो सर बोले कि आपको बताया गया था कि पैसा लेकर आना है। तो हम लोगों ने बोले कि सर शनिवार था, फिर संडे था आज, तो फिर कैसे हो पाएगा, सोमवार को होगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ उधर में पास में एक लॉज है, वहाँ पे 100-100 रुपये लगेगा, वहाँ पे जाकर रहो और कल लाओगे पैसा तो कल इंट्रिंग कर देंगे। तो भाई समझ लो, आप जब 10,800 रुपया लेकर जाओगे, जब भी लेकर जाओगे तब आपकी नौकरी हो जाएगी फिक्स, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपके ब्लॉक पे आए, आपके थाना पे आए, उससे कोई मतलब मत रखिए। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी जाओ, चेक करो, पता करो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और एक बात, जब हम लोगों ने पूछा कि सर अगर हम लोग ये अदर स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी तो क्या हम लोग को वहाँ खाने पीने का जो सैलरी मिलेगा, जैसे कि सैलरी है 12-13 हज़ार से है, वहाँ पर बोला 12 हज़ार, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर बोला गया कि सर कि हम लोग अदर स्टेट में अगर पोस्टिंग होगी तो क्या वहाँ पर हम लोग को रूम रेंट देना पड़ेगा खाना पीना का, तब बोले कि हाँ उसी में से सब तुमको करना पड़ेगा। तब तो पूरा हम लोग का माइंड ही घूम गया यार, बोले इससे अच्छा होगा कि चलो अपने चट्टी चौराहा पे लिट्टी चोखा छानो और सेल करो, वही सबसे बेस्ट होगा। पता है ससुराल ले गए थे 2 कट्ठा खेतवा बंधक रख के 10,000 रुपया उन लोगों को देने के लिए, बट देने लायक नहीं है, हमसे भाई वो नौकरी नहीं होगा, ठीक है।
आप लोग भी सतर्क हो जाओ, बस यही कहना है। और आप लोग को दिखा रहा हूँ ज्वाइनिंग लेटर, फॉर्म तो नहीं है, फॉर्म तो वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे चला गया 350 रुपया, बट 1000 रुपया गया, 10000 नहीं गया। इससे कोई अभी कुछ नहीं बना है मेरा, कुछ नहीं बिगड़ा है, जो हुआ वो सही हुआ। बट आप लोग ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है संस्था, बट करने वालों के लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है यार। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं छूट रहा था, क्योंकि इसी के चक्कर में भजा हुआ था यार, लगा हुआ था। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ यार हमारा ज्वाइनिंग लेटर, जो मिलने के बाद खुशी का ठिकाना ही नहीं था। देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि मेरा रियल नेम बिहारी चौहान है। देख सकते हैं आप लोग इधर, ये है रहा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि आपको 350 रुपया लगेगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आपको भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आप भी पागल हो जाओगे खुशी के मारे, ठीक है, समझे क्या। देख सकते हैं आप लोग, ये है ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने का रास्ता है वो पता, देख सकते हैं आप लोग, इधर में दिया गया है ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने का रास्ता एवं पता, CRPF कैंप के झापहा तिरहुत शिक्षण, यार हटना इधर से, महाविद्यालय मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर पर शिक्षण केंद्र उपस्थित है। वो तो मेरे को तो लग रहा था यार वहाँ पे वो जो ये है तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, ये भी लग रहा है मेरे को, वो भी भाड़ा पर लेकर यार चला रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से वापस आ गए घर पे, और आप लोग बस मेरे को लगा कि मैं आप लोग को वीडियो दिखा दूँ, बस दिखा दिया बनाकर। और इधर देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 350 लेते आवे, साथ लावे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई फीस है, देखिए 350, देख सकते हैं आप लोग, जो कि ये काफ़ी 27 स्थानों का है, देख सकते हैं आप लोग, ये अंत में देखिए इधर 27 देख रहे हैं, यही सब है, बस आपकी मर्जी, आप जैसे कर। जो कि हेलो दोस्तों, आज है 10 जनवरी, जो कि है चैनपुर ओपी थाना परिसर में, और 11 को है असाव थाना परिसर में, उसके बाद 12 बढ़रिया, मतलब इसे डेट करके सब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी भी भाई का पैसा खर्च ना हो और बच जाए, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हेलो दोस्तों, अगर ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड के बारे में अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप बोलेंगे तो इसके बाद वीडियो भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसके खिलाफ नहीं है यार, बस इसका जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। आप ही बता, उधर 12000 रुपया देगा यार, अदर स्टेट में भेजेगा, रूम रेंट 2000 लगेगा, खाने का 3-4000, यार कैसे होगा यार, नहीं चलेगा। बस हर एक महीना अलग अलग कंट्री स्टेट में पोस्टिंग कर दिया, तब तो हो गया, छुट्टी लेकर दौड़ते रह जाओगे इधर से उधर, उठा पेता पेटी भाग खेता खेते, वही हाल हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग समझदार हो, बाकी आप सब समझ सकते हो यार, ऐसी बात थोड़ी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने क्षेत्र में पहुँचाए, ताकि हर किसी का 2000, 5000, 1000, 350 जो भी बचे बचे यार, बस नुकसान ना हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, फिर से वापस आ रहा है। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।